नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे मुहावरे सुने होंगे, अकल घास खाने चली गई, बुद्धि को चोर ले गए वगैरह वगैरह, बड़े सारे मुहावरे आते हैं। तो ये मुहावरा अचानक से मेरे दिमाग में क्यों आया? जी हाँ, देवलीना को सोच के मेरे दिमाग में ये मुहावरा आया कि ऐसा भी क्या हो गया है, इतनी भ्रष्टेशन। प्रश्न का कारण तो है, क्योंकि देवलीना जब बिग बॉस के घर में दाखिल हुई थी तो इनको ये एक नाम था और एक नाम के साथ टैग के साथ आई थी, गोपी बहू। तो लेकिन ये भूल गई कि यहां पे बिग बॉस इज ए रियलिटी शो। वहां पे जो आपको डायलॉग राइटर लिख देता है वो आप अटेंड करते हो, उसी तरीके से करेक्टर, वो करेक्टर से लोग प्यार करते हैं। यहां पे जब आपका रियल करेक्टर, अगर आप सच में यहां पे भी वही गोपी बहू की तरह बिहेव करती तो लोग आपको पसंद करते, लेकिन यहां पे तो आप बिल्कुल अलग हो। टोटल आपका जो गोपी बहू का नकाब उतर गया यहां पे आके, और आप दिखाई दे गई कि एक्चुअली रियल देवलीना इज दिस। तो उस बात की फ्रस्ट्रेशन हो गई, और अब जो है हर बार नॉमिनेट हो जाती है, और नॉमिनेट हो जाती है तो वोटिंग में भी आप 6 में 7 में नंबर पे आती हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई, और कल उन्होंने इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते किया बहुत बड़ा ड्रामा। और वो बाथरूम में जाके, पहले तो वो सिद्धार्थ शुक्ला के पास बैठी दिखाई दी कि उनको उंगली लगाती हुई बहुत मीठी मीठी बातों में कि वो प्रवोक हो, लेकिन वो नहीं हुआ, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने दूसरा पत्ता चला बाथरूम में जाके उन्होंने, और यहां पे कोई आदमी बाथरूम में, आप भी घर पे जाते हो या बिग बॉस में, नॉर्मली लोग बाथरूम में जाते हैं तो अपना माइक बाहर रख के जाते हैं, लेकिन ये मोहतरमा के का प्लैंड ड्रामा था, तो ये बाथरूम के अंदर गई अपना माइक साथ में लेकर, और वहां पे जाके उन्होंने बला 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 क्या क्या चीजें कह दी। पहले तो बाद में कि वो मगरमच्छ सोता रहता है, और गंदी गंदी गालियां भी निकाली जो कि मैं यहां पे नहीं लूंगा। तो मतलब जो के, तो साथ में फिर रश्मि अंदर जाती है, फिर ये कहती दिखाई देती हैं शरे या मेकर सलमान खान को कि उनको दिखाई नहीं देता है ये, तो हम क्या करें अगर उनको दिखाई नहीं देता, मतलब वो अंधे हैं। तो आपको बताऊं कि सलमान खान के साथ डायरेक्टली आज तक जिसने भी पंगा लिया है, तो बाद में उनका उनको बहुत भुगतना पड़ा है, कईयों को तो शो से ऐसे निकाल दिया गया है कि भैया आपको याद है लीव माई हाउस राइट नाउ, और एक को सलमान खान ने कहा था कि कुत्ता बना दूंगा भाई, ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें। क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान का ऐसा रौद्र रूप दिखाई दे? तो देखते हैं अगर अभी सलमान भाई, क्योंकि इस बात को लेके फैंस, सलमान खान के फैन तो ये पूरे के पूरे बिग बॉस में जितने लोग हैं उनसे ज्यादा हैं, तो सलमान के सभी फैन इस बात पे बहुत भड़के हुए हैं। तो देवोलीना के जो रहे सही फैन फॉलोइंग थी वो भी अब कम हो जाएगी, और सलमान खान वीकेंड का बार में कैसे लेंगे उनकी क्लास, ये देखना होगा। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.